नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक रोचक वीडियो लेकर फिर आ गया हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे वाहन पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगता है वह किस प्रकार लगता है, कैसे इंस्टॉल होता है। इस वीडियो में हम इसको शुरू से अंत तक देखेंगे और इसमें जो हमारा बाइक है इसमें इसको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। उसके लिए हमने सब सामग्री ले लिया है, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में करते हैं हम आगे और देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नाप माप कर इसमें छोटा सा छेद कर लेते हैं। तो छेद करने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे एक छोटा सा कील के माध्यम से हम इसमें छेद कर देंगे माप कर और फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारा रिवेट है एल्युमिनियम की बनी हुई है तथा यह फिक्स होता है इस रिवेटर के माध्यम से जिसमें हम इसको लगाते हैं और इसमें आगे पीछे करके इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें लेना पड़ता है दो रिवेट को। इन रिवेट को इसमें इस प्रकार लगा देते हैं। इन्हें इस प्रकार लगा देने के पश्चात अब हम इन दोनों जो हमारा यहाँ पे छिद्र दिया हुआ है हम उसमें लगा देते हैं और उसमें लगाने के पश्चात हम इस प्रकार लगा देते हैं। अब इस रिवेटर के माध्यम से हम इसको खींच कर इंस्टॉल करते हैं और इससे एक ये फायदा होता है कि जो हमारा नंबर प्लेट है वह आसानी से नहीं खुल पाता है जब तक कि हम इस नंबर प्लेट को तोड़ नहीं देते हैं। तोड़ेंगे नहीं तब तक यह निकल नहीं पाता है। तो रिबेट जो है हमारा वह एक रिबेट एक बार में ही लग जाता है ताकि कोई किसी प्रकार की इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए और यह निकालना पड़े तो ना निकल पाए। तो हम इसे रिबेटिंग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम इसे रिबेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इस रिबेट को डालकर अब इसे हमें आगे पीछे करना पड़ता है जिससे कि रिबेट को वह खींचता है पीछे से आगे की तरफ और जो हमारा रिबेट है वह लगने लगता है। तो यह रिबेट लगने के पश्चात जब लग जाएगा तो यह ऐसा आवाज करता है और जो हमारा इसमें लगा था छड़ वो निकल चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं जो कि हमारा ये निकल चुका है लेकिन जो मेन है वो रिवेट यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो एक लग चुका है, हम दूसरे को लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लगा देते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे का भी इंस्टॉल करते हैं। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए पिनियो को शुरू से। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार हम आगे वाली जो फ्रंट नंबर प्लेट है उसे भी लगाएंगे, उसको रिवेट को इसमें डाल लेते हैं और इसे इसमें फिक्स करेंगे। तो इसे हम लगाते हैं, यहाँ पे इसको डाल के इसमें फिक्स कर लेंगे और इसे रिवेटर के द्वारा हम इसको फंसा कर रिवेट करेंगे। तो हमारा एक हो गया है, इसमें जो देखिए छोटा सा जो है एक हिस्सा उसका कील निकल गया है। इसी प्रकार हम
दूसरे को भी कर लेते हैं। इसे भी हम ठीक उसी प्रकार रिबेट करेंगे। तो देखिए जैसा कि रिबेटिंग हो गया है और ये जो हमारा नंबर प्लेट है वो इंस्टॉल हो गया है। अब इसे खोलने के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी हम इसे आसानी से नहीं खोल सकते, जिस प्रकार की नट बोल्ट या पेंच की तरह पेंच की भांति से नहीं खोल पा सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप, ताकि वो भी इसी तरह का इसी प्रकार जानकारी भरा वीडियो देख सके। तो वीडियो को फैला दीजिए, आगे भेज दीजिए, वीडियो में बने रहिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। Can you see the vision?